गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। आपके पास मोशन में सबसे पहले आपको ये दिया है, देखो ट्रांसपोर्टेशन। आज के टाइम पे क्या हो गया है, ट्रांसपोर्ट में बहुत मॉडिफिकेशन आ गया है टाइम के चेंज के साथ साथ, इवोल्यूशन हो गया है। पहले क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद लोग किससे चलने लगे, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, है ना। आज के टाइम पे किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन। व्हील यानी कि जो हमारा टायर होता है ना, व्हील के इन्वेंशन से क्या चलने लगी, आपकी साइकिल चलने लगी, कार चलने लगी, है ना। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन आ गया ट्रांसपोर्ट्स में। ये हमारा एडवांस ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे शो करा गया है। उसके बाद आता है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट या दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये मेज़र करा जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पहले क्या किया जाता था, पुराने मेथड यूज़ किए जाते थे, जैसे हैंड स्पैन मेथड, फुट स्पैन मेथड। हैंड स्पैन मेथड देखो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा एंशिएंट मेथड था। ये क्या होने लगा, ये मोर रिलेबल नहीं था, इस वजह से क्या ज़रूरत पड़ी, डेवलपमेंट की, मॉडिफिकेशन की, जिसके बाद मेज़रमेंट की यूनिट्स बनी। उसके बाद मेज़रमेंट को प्रॉपर हमें उसकी क्या मिली, वैल्यू मिली। ये था हमारा जो पुराने मेथड थे, हम इसको बोलते थे आर्बिट्री वेज। जो हम पुराने मेथड से, पहले हमारे पास मेथड आता था हैंड स्पैन में क्यूबिट। क्यूबिट में क्या होता था, आपको एल्बो से लेकर फिंगर टिप्स तक की जो वो होती है ना डिस्टेंस, उसको हम वन क्यूबिट बोलते थे। तो उस तरीके से मेज़र करा जाता था। अभी आपके मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। कि हम मेज़रमेंट, देखो यहाँ पे क्यूबिट आया, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, ये एक तरीके की इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा ही यूनिट जो क्या होता है मेज़रमेंट्स के लिए किया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में मेज़रमेंट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। पुराने समय में जो यूनिट्स थी वो थी क्यूबिट। क्यूबिट इजिप्ट में एक्सेप्ट करी गई थी। क्यूबिट का मतलब होता था आपका फिंगर टिप से लेके एल्बो तक का डिस्टेंस। ऐसे हम क्या करते थे, मेज़र करते थे, हमें जिस चीज़ को मेज़र करना था। पर अब के दिनों में नाउ डेज क्या आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आ गई है, ऐसा यूनिट वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट कर ली गई है। क्योंकि मेज़रमेंट, जिससे क्या हो गया, मोर ईजियर हो गया हमें समझने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आपके, देखो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट्स के बताया, जैसे अब हमारे पास यूनिट है ना मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिनट्स। तो ये हमारी नॉलेज को समझाने के लिए करा गया है सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद आता है, अब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो आज हम क्या करते हैं, हम अपनी नोटबुक में भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल से कैसे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं वो आपका दिखाया है कि हम कैसे यूज़ करते हैं, करेक्ट वे क्या है। सबसे पहले इन्होंने बोला है आपको स्केल ऑब्जेक्ट में ऐसे प्लेस करना है कि आपकी आइज़ उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहे। सेकेंड, आपको जो उसकी वैल्यू स्टार्ट करनी है वो आपको उसके ज़ीरो पॉइंट, ज़ीरो मार्क्स से स्टार्ट करनी है। थर्ड आपके पास आया है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल अपनी आई पोजीशन को सेंटर पे रखना है जिससे कोई भी इनकरेक्ट गलती ना हो। देखो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग मेज़रमेंट कैसे कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास आता है, देखो यहाँ पे यही बताया है कि हमें आई पोजीशन क्या रखनी है, अपनी बिल्कुल सेंटर पे रखनी है जिससे हम लोग एक्यूरेट मेज़र गेट कर सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें। ऑब्ज़र्व करने के बाद हमें वो मिल सके। जब हम क्या करेंगे, अगर हमने उस पर हल्का सा भी राइट लेफ्ट की क्या कर दी, गलती कर दी, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन अगर हमने उस पर राइट लेफ्ट की मिस्टेक कर दी तो हमें क्या मिलेगा, गलत मेज़रमेंट मिलेगा। उसके बाद आपको टॉपिक समझाया गया है मेज़रमेंट अलोंग कर्व लाइन। पहले के टाइम पे क्या हम करते थे, थ्रेड से हम कैसे मेज़रमेंट करते थे वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि हम कर्व लाइन का, अभी भी पॉसिबल है कि हम कर्व लाइन का मेज़र किससे कर सके, एक थ्रेड से कर सके। सबसे पहले इन्होंने बोला आपको क्या करना है, ये आपको स्टेप्स दिए गए कैसे हम कर्व लाइन का मेज़रमेंट थ्रेड से कर सकते हैं।
आपको सबसे पहले एक थ्रेड लेना है, उसके एक एंड पे एक नोट बांधनी है। सेकंड आपको वो नोट पुट करनी है थ्रेड जहाँ से आपकी कर्व लाइन स्टार्ट है वहाँ पे आपको उसको थंब से प्रेस करना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जहाँ तक थ्रेड जाए वहाँ पे आपको अगेन थंब रखना है, फिर उस पॉइंट को आपको उठा के अगेन उस थ्रेड पे नोट बांधनी है। देन उस नोट के बाद आपको फिर क्या करना है, मेज़रमेंट करना है जहाँ तक आपकी लाइन है। ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे जब तक आपकी लाइन पूरी कर्व लाइन मेज़र ना हो जाए। तो थ्रेड के थ्रू हमने कर्व लाइन का मेज़रमेंट करा, ये आपका प्रोसेस था। नेक्स्ट उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दिखाया है कि आपको ये प्रोसेस दोबारा करना है कि हम कर्व लाइन को कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थंब और फिंगर के बीच रखा गया है ना थ्रेड, तो वो दिखाया है कि आपको यहाँ पे नोट बांधनी है और इससे आपकी मेज़रमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हमारे चैप्टर का नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। मेजरमेंट हमने पढ़ा, अब है हमारे पास मोशन। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब हम कोई चेंज करते हैं तो वो हमारा मोशन कहलाता है। मोशन हमारा बेसिकली फोर टाइप्स का होता है। यहाँ पे देखो आपको दिखाया है रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। आइए अब हम मोशन के टाइप्स पर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पे आता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में आपको क्या बोले, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो हम उस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल आपके पास हम ले सकते हैं, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, रेलवे कहाँ जा रही है, अपने ट्रैक पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है ना, तो वो मोशन हमारा कहलाएगा रेक्टिलिनियर। सर्कुलर मोशन, जो मोशन हमारा हैंड्स ऑफ क्लॉक में है, हमारा जैसे हमारा उसमें चलता है वॉल की क्लॉक में चलता है ना, इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जो हमारा सर्कल उसमें चलता है। देन आता है पीरियोडिक, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिपीट करती है अपने मोशन को आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद दोबारा उसी मोशन को रिपीट करती है, तो हम उस मोशन को क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं आपके पास पेंडुलम, वॉच में होता है ना पेंडुलम, इधर से उधर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है आपके पास, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, जैसे कि हमारी अर्थ है अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, तो उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल है आपका मोशन ऑफ अर्थ। एंड आपका सर्कुलर मोशन, आप एक तरीके से सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो फैन हमारा सर्कुलर मोशन में क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है ना हमारा फैन, गोल गोल घूमता है, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके बाद आ जाती है समरी। समरी में आपको बताया है कि जो डिफरेंट मोड्स है ट्रांसपोर्ट के, वो क्या हो रहे हैं आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ। ये किसके कारण हुआ, व्हील के कारण। अब एंशियंट टाइम में, नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज़ लेंथ ऑफ फुट, पीपल हाथ का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, फुट का यूज़ करते थे। और बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन आ गया है, क्योंकि पुराना जो ये मेज़रमेंट था ये हमारा क्या करता था, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था और एक हमें फिक्स्ड वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाता था। बट आज के टाइम पे मॉडिफिकेशन हो गया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलने लगी, लेंथ की हम मेज़रमेंट अच्छे से करने लगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास बोला है कि लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब आपकी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम आपका मैंने बताया ना, इसमें आपका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये आपकी यूनिट्स थी। आपको यहाँ पे बोला है मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो अब हमारे पास एसआई यूनिट है, हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, वो हमारे पास होती है मीटर। लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, हमेशा मीटर में। नेक्स्ट आपके पास है मोशन इज़ ना स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस कि जो भी हम स्ट्रेट लाइन पे कोई मोशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, फिक्स्ड पॉइंट पर ही सर्कुलर मोशन करती रहती है ना, गोल गोल घूमती है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पीरियोडिक मोशन, मतलब ऐसा मोशन जो क्या होता है, कुछ समय इंटरवल के बाद अगेन रिपीट होता है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन हम आगे मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा।